भगवान विश्वनाथ की कृपा से महामना के महात्म्य की छाया में भारत की सनातन गरिमा को आधुनिकता में उद्भासित करने वाले स्वामी विवेकानंद के व्याज से हम लोग सनातन धर्म के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय मनीषी को, हमारे सामने उपस्थित हम सबके लिए नित्य वंदनीय पूज्य यतियों को, ब्रह्मचारियों को, और विशेष रूप से आप लोगों को साम्राज्य की अनेक अवधारणाओं में यहाँ यौवराज्य का विस्तार जो दिख रहा है उस सबके प्रति अपना सद्भाव निवेदन करते हुए, इस बात को पहले कहकर कि मैं कोई आपको अंतिम सत्य बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या जो मैं कह रहा हूँ सब बातें वैसी ही हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ है उसको गुरुओं की कृपा से, स्वाध्याय से, समझने के प्रयास से, जैसा मैं देखता और समझता हूँ वैसा आपके सामने उपस्थापित करूँगा। आप अपने देखने और सोचने में उसे भी सम्मिलित कर लें तो उसका फलक और बढ़ जाएगा। और मैं समझता हूँ विमर्श और संवाद की भूमिका इतनी ही है। जो आपको अंतिम सत्य देने की घोषणा करता है वो या तो वेद है या तो झूठा है, और कोई स्थिति नहीं है। आपको अंतिम सत्य या तो वेद दे सकते हैं और या झूठे दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। और वेदो नारायण साक्षात, वेद और नारायण एक हैं इसलिए अनंत हैं, तो उनमें अंतिम रूप से कुछ कहना दंभ है। उसमें हम इतना कह सकते हैं, हमने ऐसा सुना समझा है, यही सीमा है। इसको कहते हुए, इस आयोजन के लिए, ऐसे संकल्प के लिए आप सबका अभिनंदन करते हुए, मैं सबसे पहले एक निवेदन करूंगा। ये मित्र हमारे जो ऊपर हैं किसी व्यस्तता के कारण, किसी हलचल के, जिन्हें कोई कारण है, जिन्हें कोई किसी तरह की व्यग्रता है, वो बहुत स्वाभाविक है, तो वो चुपचाप जा सकते हैं। और अगर यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि उन्हें सुनना है, तो वो सुनने में मन लगाएं अपना थोड़ी देर, क्योंकि कुछ मेरी ऐसी प्रवृत्ति है कि मैं चाहता हूँ कि आपने एक संस्था का नाम रखा है सेवाज्ञ। मैं पूछ रहा था मिले हुए मित्रों को कि इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने जो बताया उससे मैंने ये समझा कि हमारे यहाँ भाषा में जो वर्णलोप की परंपरा है, वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च दो चापरो वर्ण विकारनाशो, तो उन्होंने कहा कि सेवा यज्ञ में हमने यकार का लोप कर दिया है और सेवाज्ञ बना लिया है। तो मुझे लगा कि ये उसकी कठिन व्युत्पत्ति है। उसकी सरल व्युत्पत्ति ये है कि जैसे हम अज्ञ या विज्ञ शब्दों का व्यवहार करते हैं और ज्ञ को अव्यय की तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर हम वैसे ही इसको समझें तो सेवाज्ञ का अर्थ हुआ सेवा को जानने वाला। आप इसकी व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति इस तरह कर सकते हैं कि सेवा को जानने वाला सेवाज्ञ है। सेवा को जानना क्या है, ये संदर्भ है, इसलिए मैं थोड़ी बात कह करके मुख्य विषय पर आता हूँ। सेवा को जानने में जब भी आप सेवा शब्द का व्यवहार करते हैं तो एक शब्द युग्म का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं सेवा शुश्रूषा। कभी आप लोगों ने अगर इस बात को सोचा हो कि सेवा के साथ शुश्रूषा का क्या अर्थ है, इनमें से हमारे मित्रों में से यदि कोई बताना चाहे कि शुश्रूषा का क्या अर्थ है, मैं आगे की पंक्ति में बैठे आचार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, शुश्रूषा का क्या अर्थ है आप लोगों में से कोई कहना चाहता है? मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, मैं प्रवचन और भाषण नहीं कर रहा हूँ, ये संवाद जैसी स्थिति है, आप बोल सकते हैं और आप जो मैं बोल रहा हूँ उस संबंध में पूछ भी सकते हैं, किसी भी समय हाथ उठाएं कि आप कुछ कह रहे हैं। आपने जरूर सोचा होगा, कभी जानने की कोशिश की होगी कि शुश्रूषा क्या है। आप नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। सुनने की इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं, वही सेवा कर सकता है जो सुनने की इच्छा रखता है। और यही कारण है कि हमारे समाज में वृद्ध जन, वरिष्ठ जन जो सेवा नहीं होने से दुखी हैं, वो कहते हैं कोई सुनता नहीं है मेरी। महर्षि व्यास को भी इस बात की चिंता थी, उन्होंने किसी समय बहुत दुखी होकर कहा था ऊर्ध्वाहुं विरौम्येषु, दोनों हाथ उठाकर रो रहा हूं कोई सुनता नहीं है। सेवा की शर्त है सुनना। आपका सुनना अच्छा हो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग थोड़ी देर सुनने का वातावरण बना लें, तो मैं 10-20 मिनट कुछ अपनी बात कहूं, क्योंकि बहुत अच्छे विद्वान यहां उपस्थित हैं, वे आपको सुनाएंगे। आप हैं और डॉक्टर वागीश शुक्ल जी के संपर्क में मैं हूं, तो
आईआईटी के लोगों के प्रति मेरी निष्ठा बढ़ गई है, और मुझे लगा कि जो विज्ञान को समझता है वो धर्म के प्रति ज़्यादा उदार है, या धर्म को समझने की शर्त यही है कि विज्ञान को समझ लिया जाए। कठिनाई ये है कि हमने विज्ञान को भौतिकी और रासायनिक प्रक्रियाओं से जोड़ लिया। सबसे पुराने वैज्ञानिक भारत में हमारे ही पास थे, वैदिक परंपरा में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम जब कहा गया तो तीन बातें एक साथ रखी गईं ब्राह्मण स्वभाव का प्रतिपादन करते हुए, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य, और इनमें परस्पर एक संबंध है। ज्ञान की चरितार्थता विज्ञान में है और विज्ञान की चरितार्थता वेदों को स्वीकारने में है, लेकिन चूंकि वैज्ञानिकता के लिए हमारे पास बहुत अथराइज विद्वान उपस्थित हैं तो मैं उसमें दखल नहीं करूंगा और मैं उनके विषय को खराब भी नहीं करूंगा। कई बार हमारे प्रौढ़ कथावाचक कहते हैं कि कोई एक जूनियर कथावाचक पहले बैठकर कथा को गोड़ देता है, मैंने वो सारे प्रसंगों की ऐसी असंगत प्रस्तुति कर देता है कि उनका स्वाद बिगड़ जाता है, तो मैं वो नहीं करूंगा। मैं धर्म शब्द पर चर्चा करूंगा। धर्म का क्या अभिप्राय है? हो सकता है कि आपको हमारी बातें थोड़ी असहज करें, पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसे समझने का प्रयास करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। हमने क्यों यह समझा है कि पूजा करना, चंदन लगाना, शिखा रखना, यज्ञोपवीत पहनना, रसोई की पवित्रता निर्धारित करना, खान पान के व्यवहार में अनुशासन रखना धर्म है? जब भी धर्म की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैष्णव जैन बौद्ध के अलावा भी हम धर्म को परिभाषित करते हैं क्या? धर्म शब्द का अभिप्राय करते हुए हम क्या अर्थ समझना चाहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्म वस्तु क्या है? मैं शास्त्रों की ही बातें लूंगा क्योंकि अपने पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं है। तो धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूं, ये बात गीता में कही गई है। हमारे शास्त्रों के मुकुटमणि हैं उपनिषद, और उपनिषदों का भी सार है गीता। आप परिचित हैं, काशी के लोगों के लिए कुछ कोई बात नई नहीं हो सकती। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदना, सब उपनिषद गायें हैं और उनका दूध है गीता। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग उपनिषदों की उक्तियों से आपका समय खर्च करने से अच्छा है कि मैं कोई एक बात कहूं जिसमें सबकी सम्मति हो। कृष्ण कहते हैं मैं बारंबार धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित होता हूं। धर्म ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी संस्थापना बहुत आवश्यक है? नहीं रहे धर्म तो क्या, जिसके लिए इतने उपद्रव करने पड़ते हों कृष्ण को, बार बार आना पड़ता है, दुष्टों को मारना पड़ता है, सज्जनों को प्रोत्साहित करना पड़ता है, तमाम तरह की। आप कभी चिंतन करेंगे कृष्ण के चरित्र पर, श्रीमद्भागवत को देखेंगे तो आपको ये बहुत रोचक बात दिखाई पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं मेरे अवतार का प्रयोजन है धर्म की स्थापना। पहले मैंने कौरवों को परास्त किया, अघासुर बकासुर पूतना और कंस और कालयवन और जरासंध जैसे लोगों को मारा, और फिर मैंने यदुवंशियों का नाश किया। कृष्ण का वाक्य है कि यद्यपि मैंने धर्म की स्थापना कर दी है और धर्म के सारे व्याघात करने वाले तत्वों को मिटा दिया है, किंतु अब यदि किसी से भय होना चाहिए धर्म को तो यदुवंशियों से होना चाहिए। इसलिए मुझे जाने के पहले यदुवंशियों का भी नाश कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी धर्म का व्याघात करने वाले हैं। और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में यदुवंशियों के संहार की भूमिका ही इसलिए बनाई कि अब धर्म को किसी से हानि है तो इन्हीं से हानि है। यदुवंशी जो कृष्ण के आत्मीय हैं, जो बहुत प्रिय हैं, वे धर्म के लिए कैसे हानिकारक हो सकते हैं? जब किसी का विकास इतना हो जाए कि उसकी दृष्टि स्वयं को ही प्रमाण मानने लगे, तब वह व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हो जाता है। भारतीय सनातन परंपरा कभी यह नहीं कहती कि मैं प्रमाण हूं, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी जब योग का उपदेश करते हैं तो कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त। ये सब कुछ परंपरा प्राप्त है, और जो परंपरा प्राप्त नहीं है वो प्रामाणिक नहीं है। वो हो सकता है अच्छा हो पर उसकी अच्छाई विश्वसनीय नहीं है। सब कुछ परंपरा प्राप्त है। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने को प्रमाण मानने लगे, महाराज मनु ने जब धर्म के लक्षण कहे तो चार लक्षण उन्होंने धर्म के कहे, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मना, और सबसे नीचे रखा कर्ता की रुचि और योग्यता को, सबसे ऊपर रखा वेदों को, फिर रखा स्मृतियों को, फिर रखा सदाचार शिष्ट प्रमाण को, और फिर रखा कर्ता को। जब हमारे जीवन में निर्णय करते हुए कर्ता ऊपर आ जाए, करना तो मुझे है इसलिए जो मुझे सुटेबल होगा वो तय करूंगा, तब मैं धर्म के विरुद्ध हो जाता हूं।
यदुवंश में ये प्रवृत्ति कृष्ण के साथ ही पनप चुकी थी। ये उदाहरण है, मैं इनमें न जाकर के फिर धर्म की उस परिभाषा पर लौट रहा हूं। धर्म ऐसा कौन सा घटक है जिसको अवश्य होना चाहिए? क्यों परमात्मा को बार बार धर्म स्थापना के उपक्रम करने पड़ते हैं? आप वेदों से इसका निष्कर्ष लेना चाहेंगे तो ये तो विदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे ऐहिक और आत्यंतिक कल्याण सिद्ध हो उसे धर्म कहते हैं। पर यह परिभाषा बहुत वायवीय है, तो जब तक निष्ठा संपन्न होकर के समर्थ गुरु के पास नहीं बैठा जाएगा तो इसका तात्पर्य नहीं समझ में आएगा। जीवन का तो संघर्ष ही यही है कि हमारे दोनों ध्रुव विपरीत दिशाओं में हैं। ऐहिक उन्नति भिन्न है और पारमार्थिक उन्नति भिन्न है, और एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ चली आई है, जो पारमार्थिक उन्नति के लोग हैं वो सन्यासी हो जाते हैं, जो ऐहिक उन्नति की कामना वाले हैं वे गृहस्थ हो जाते हैं, और इनको दोनों को अलग अलग दिशाएं मान रखा गया है। ये एक ही दिशा के अलग अलग पड़ाव थे ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास पर्यंत, स्टेप बाय स्टेप जाने के। धर्म का वह स्वरूप क्या है जिसको होना अत्यंत आवश्यक है, इसको पहचानने चलें तो वेद कहते हैं कि जिससे ऐहिक माने संसार में रहते हुए, जीवन में रहते हुए जीवन की और फिर जीवन के परम प्रयोजन की। जीवन में भी मुख्य और गौण के भेद से दो प्रयोजन हो सकते हैं, एक प्रत्यक्ष हो सकता है जो अभी तात्कालिक है और एक आत्यंतिक है। बहुत सरल उदाहरण के लिए, जैसे आप एक सिरिंज लेते हैं किसी को इंजेक्शन के लिए और वो आपके हाथ से गिर करके टूट जाए तो वो नष्ट हो गई, लेकिन इंजेक्ट करने के बाद आपने उसे तोड़ दिया तो वो नष्ट नहीं हुई। क्या तर्क है इसके पीछे? सिरिंज में दवा इंजेक्ट करने का एक प्रयोजन निहित है और उसको पूरा कर लेने पर उसका नाश नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो प्रयोज्य था वो घटित हो गया। जीवन का एक प्रयोजन है, यदि यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो नाश नहीं होता है। जो अमृतत्व की उपलब्धि है वेदों में, जिसको कबीर कहते हैं हम न मरे मरी है संसार आकाशी में, इन बातों का अभिप्राय है जीवन के प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर जीवन का नाश नहीं स्वीकार्य है, क्योंकि तब तो वो सिद्ध हो चुका। पका करके फेंक दिया गया भोजन भी नष्ट हो जाता है और पेट में चला गया भोजन भी नष्ट हो जाता है, लेकिन एक अपने पोषण के कर्तव्य को पूरा कर लेने के कारण नाश संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। इस दृष्टि से जीवन में धर्म कौन सा तत्व है, उसको किस तरह पहचानेंगे, लौकिक पारलौकिक की बात हमने की। एक और बहुत अच्छी परिभाषा धर्म की है, मैं जिसको ज़्यादा रुचिपूर्वक कहता हूँ, दुर्भाग्य से उसे भी कुछ गलत तरीके से कहा सुना गया है, और ख़ास तौर से जो सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और उन्हें जो दर्शन की पुस्तकें मिलती हैं पढ़ने के लिए, मैं बहुत दुखी हुआ हूँ कि बहुत गलत तरीके से उसमें चीज़ें कही गई हैं। मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, कोई सिन्हा साहब हैं जिनकी किताब चलती है, तो प्रयाग में शोध के दौरान मेरे मित्रों ने मुझे दिखाई तो मैं दुखी हुआ कि पूरा श्लोक तो पढ़ लेते। धारणात् धर्मम इत्याहु, धारण करने से उसका नाम धर्म है, तो कहा जिसे धारण किया जाए वो धर्म। तो कुर्ता भी तो धारण करते हैं, चप्पल भी तो धारण करते हैं, चश्मा भी तो धारण करते हैं, किस किस को धर्म कहें? पूरी पंक्ति पढ़ते तो आपको मिलता कि धारणात् धर्ममित्याहु धर्मेण विद्रिता प्रजा, जो धारण करे वो धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म नहीं। मैं इसी से अपनी बात का विस्तार करके आपको स्पष्ट करूंगा, जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं। किसको धारण करे? जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसको अस्तित्व में बनाए रखने की जो सामर्थ्य है उसे धर्म कहते हैं। जो कुछ भी जड़ चेतन माने परमाणु तक, मैं आपको ले चल रहा हूं पर्वत पर्यंत, जो कुछ सृष्टि में है, जो कुछ भी कार्य है, वह सब कुछ जिसके द्वारा अस्तित्व में है उसको धर्म कहते हैं। ये बात हो सकता है कि आपको लग रही होगी कुछ उलझी हुई बात होगी या आप लोगों को नहीं लग रही होगी, कैसे समझें इसको? मैं केवल एक उदाहरण लेता हूं। एक चीज है पानी, जल। जल का क्या धर्म है? मैं इसको और सरल करके आपसे पूछता हूं, जल जल क्यों है और जल में क्या नहीं होने पर जल नहीं होगा? आप लोग कुछ बोलेंगे तो फिर ठीक से बात हो पाएगी। मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं, फिर ये भी लग सकता है ना कि आप शिष्टाचार में बैठे हैं, क्योंकि आशीष जी ने और तैयारी करने वालों ने आपको बुलाया है और आपका उत्तरदायित्व तो है कि आपको यहां होना चाहिए।
हाँ आपको स्वागत है, आप कहिए। समुद्र के जल में प्यास बुझाने की क्षमता नहीं होती, तो क्या उसे जल नहीं कहें? आप ठीक कह रहे हैं और ठीक से ऐसे ही आप, हाँ आप बताएं क्या चीज। रेत भी नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर जाने में ग्रेविटी कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण कारण होता है, जलत्व तो कारण नहीं होता जी। अगर खौला दिया जाए जल को तो नहीं, बिना खौले भी गर्म जल को क्या कहें? आप ठीक कह रहे हैं, ये जल का लक्षण है शीतलता। और कुछ ठीक बताइए, जब सींचने की योग्यता उसमें ना हो तब? ये तरलता का वैशिष्ट है जल का, नहीं ठीक है। आप सबको धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। ये लक्षण है सारे, ये सब उसकी, जैसे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि परिभाषा अलग होती है शास्त्रों में और लक्षण अलग होता है। लक्षण कहते हैं साइन को, जिससे आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं वो लक्षण कहलाता है। जिससे आप किसी वस्तु को सर्वतोभावेन जानते हैं वो परिभाषा होती है। यहाँ आप में से कोई ऐसा है जिसका न्याय या वैशेषिक से कोई परिचय हो? मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं और हमारा मुद्दा यह है कि हमारा युवा धर्म के प्रति उत्साहित क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो परिचित ही नहीं है। मैं यही आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ और आपको बहुत आनंद आएगा ये जानकर कि जल का धर्म क्या है। और ये बात जो आपके देश में मैं वर्ष नहीं गिना सकता, आधुनिक विचारधारा ने हमको एक भ्रम दिया है कि हम कहते हैं इतने हजारों साल से हमारी संस्कृति चल रही है। कैसे आपने तय किया? आप कैसे पहचान? आपको जीवाश्म मिल जाएंगे तो 50 लाख वर्ष पुराने हो जाएंगे, और जीवाश्म नहीं मिलेंगे तो, अगर आप अनुसंधान की दिशा में हैं और आपकी मशीनें इतनी विकसित नहीं हुई हैं कि आप 10,000 साल से पुराने अनुसंधान प्रमाणित कर सकें, तो क्या 10,000 साल के पहले का कोई इतिहास ही नहीं है? बहुत छोटी सी बात मैं कहूं, एक शब्द प्रयोग किया जाता है इतिहास में, यहां इतिहास के छात्र हो सकता है हों, प्राग इतिहास, जिससे प्राग ऐतिहासिक काल बना है। ये प्राग इतिहास शब्द कहां से आया? प्राग कहते हैं पूर्व को, इतिहास का अर्थ ही होता है पूर्व में घटी हुई घटना, तो ये अनन्वय हो जाएगा, ये गलत होगा, इसका अर्थ ही नहीं बनेगा ना, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। प्राग इतिहास शब्द कैसे बनेगा? आप लोगों में से किसी ने कभी सोचा कि प्राग ऐतिहासिक काल ये शब्द कैसे बना? जैसे धर्म निरपेक्ष एक शब्द बना, मूर्खता है, ये कोई शब्द नहीं है, ये अशब्द है, ये अर्थ नहीं दे सकता। नहीं, आप अर्थ लगाते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है, आपने कभी जानना चाहा? उनको किंवदंती कहते हैं, प्रागितिहास नहीं कहते। कहीं सुनी बातों को अनुश्रुति कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। इतिहास के पूर्व की घटनाएं जी, वो यूरोपियन यूरोपियन जो हिस्ट्री का कांसेप्ट है उसमें वो मानते हैं कि जो डेट्स है, जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसके पहले के इतिहास को हम प्राग इतिहास कहते हैं। धन्यवाद आपको, बिल्कुल ठीक शब्द यही है, इतिहास पूर्व। प्राग इतिहास का सीधा सीधा, प्राग और इतिहास की संधि की गई है, प्राग इतिहास का अर्थ होता है इतिहास पूर्व। इतिहास पूर्व कुछ नहीं हो सकता, जो भी पूर्वकालिक है वो सब इतिहास है। इतिहास के विद्वानों ने कहा कि हम झूठे नहीं बनना चाहते, तो जो हमारी समझ और हमारी पहचान के पहले की चीजें हैं उनको इतिहास पूर्व कहकर हम अपनी झेप मिटाते हैं, क्योंकि अभी उसे इतिहास की सीमा में नहीं ला सके हैं। अनुसंधान विकसित होगा, भविष्य में वे सब चीजें जिन्हें प्राग इतिहास कहा जाता है वो इतिहास का विषय हो जाएंगी। और तब हम ये कहकर के, जैसे एक ध्यान देने की, एक हमारे यहाँ शब्द चला जिसको कहते हैं मिथ, ये बेईमानों का दिया हुआ शब्द है भारत के संदर्भ में, और जब मुझसे कोई कहता है इंडियन मिथोलॉजी तो मैं उसका प्रतिवाद करता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप विरोध करिए, भारत में मिथोलॉजी नहीं चलती। कल्पनाएं नहीं है हमारे पास, सब यथार्थ है। दुर्भाग्य है
कि हमारे पुरखों ने विभिन्न प्रकार की धातुओं और रत्नों का संग्रह किया और हम भिखारी हो गए, सब्जी बेचने लगे, हम रत्नों को पहचान नहीं पाने लगे, तो वो रत्न ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। चार प्रकार के प्रमाणों में हमारे यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि जो प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण हैं, हम अयोग्य हुए और हम प्रमाणों के लिए केवल प्रत्यक्ष पर आकर टिक गए। शास्त्र कहते हैं कि दुनिया में जीवन में सबसे सतही और कम महत्व की चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती हैं। जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण में सिद्ध नहीं होती। कोई आपको प्रेम करता है, इसका क्या प्रमाण है? मिलने पर पुलक प्रकट करना, आलिंगन करना, बहुत प्रीति दिखाना, गिफ्ट भेंट करना, आपके खाने पीने उठने बैठने में सौविध्य की चिंता करना, पर यह सब तो क्रियाएं हैं, प्रेम नहीं है। ये तो नाट्य में भी हो सकता है, ये तो कपटपूर्वक भी हो सकता है। प्रेम या घृणा जैसे भावों का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आंगिक चेष्टाएं, अनुभव जिन्हें कहते हैं, और अनुभव नहीं हो तो नहीं है, ऐसा मान लिया जाए क्या? प्रमाण शास्त्र में अनुमान को सबसे बड़ा प्रमाण। हम लोग छात्र जीवन में जब पढ़ते थे तो न्याय के हमारे जो गुरु जी थे वो हम लोगों को मुहावरा सुनाते थे कि लंका में हनुमान और प्रमाण में अनुमान अव्याहत हैं, इनको काटा नहीं जा सकता। जैसे धुआं देख करके आग का अनुमान होता है, ना आंच लगती है, ना लपट दिखाई पड़ती है, ना प्रकाश होता है, क्या आप कभी ये कह सकते हैं कि धुआं है तो आग नहीं भी हो सकती है? धुआं देख करके जैसे अग्नि का होना अनिवार्य रूप से आप मानते हैं कि है ही, जबकि आग का कोई चिन्ह आपके पास नहीं होता। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि ही, यह साहचर्य जो नियम है, इस नियम पर विश्वास करके आप अनुमान से मान लेते हैं। जीवन में बहुत कुछ है जो अनुमान से सिद्ध होता है, जीवन में बहुत कुछ है जो शब्द से सिद्ध होता है। जैसे पिता को पिता मानने में डीएनए टेस्ट नहीं होता, मां प्रमाण होती है, शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण क्या है? आप्त वाक्यम शब्द, आप्त पुरुषों के द्वारा जो कहा गया है वो शब्द है। आप्त कौन है? भ्रम, लिप्सा और प्रमाद, तीन तरह के दोषों से रहित जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो आप्त हैं। भ्रम नहीं होना चाहिए कहने वाले को, उसे लिप्सा नहीं होनी चाहिए और उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। तीन दोषों से रहित होकर यदि किसी महापुरुष ने कोई बात कही है तो वो हमारे लिए शब्द की संज्ञा है, उसको आप्त। जैसे कबीर शब्द कहते हैं, शब्द का ही वो तद्भव रूप है, शब्द का अभिप्राय है गुरु की वाणी, गुरु आप्त है, उसके द्वारा जो कहा गया वो शब्द है। गुरुओं की वाणी को ही ग्रंथ साहिब में सिख परंपरा में शब्द कहते हैं, जो शब्द कीर्तन होता है। शब्द का अर्थ है गुरुवाक्य, विश्वास गुरुवाक्येषु, हमारे यहाँ प्रमाण ही है सुनने में योग्य होने में, गुरु के वाक्य में विश्वास। शब्द का अर्थ है गुरुवाक्य, शब्द का अर्थ है प्रमाणित कथन। तो जो चीजें प्रत्यक्ष के माध्यम से प्रमाणित नहीं हैं, हम कह दें वो नहीं है तो हम झूठे हो जाएंगे। तो ये इतिहास लोगों की योग्यता और उनकी उदारता का प्रमाण था कि उन्होंने इतिहास में जो चीजें प्रमाणित नहीं हो सकी उन्हें मिथक कहने का अपराध नहीं किया, उनको इतिहास पूर्व कहा। दूसरी एक बात प्रसंगवश मैं और कह दूं, शोध के दौरान मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में भी इस विषय पर अपना एक पेपर प्रेजेंट किया था, इतिहास पुराण और इदमित्थम का प्रश्न। तो पहले तो ये बात अपने मन से आप निकाल दें, आरंभ में ही हमारे किन्हीं मित्र ने ये कहा था तो मैं उन्हें भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, ये कुछ बदमाशों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है, इससे बाहर निकलें। भारत में वेद पढ़ने की परंपरा बहुत पुरानी है, इस पर आपका भरोसा है या नहीं है? और वेद पढ़ने की विधि हमारे यहाँ है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप ब्रह्मयेत, इतिहास और पुराणों के माध्यम से वेदों की विवृति करें, उनकी व्याख्या करें, उनका विस्तार करें। वेद पढ़ना हमारे यहाँ सनातनकालीन है और वेद पढ़ने के घटक हैं इतिहास और पुराण, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतिहास हमारे यहाँ नहीं था? आप पुराण उठाकर देखना शुरू करिए, अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, इतिहास शब्द ही हमारा दिया हुआ है, ये यूरोप से नहीं आया है। इति ह और आस, ह वहां अव्यय है निश्चयात्मकता व्यक्त करने के लिए, आस माने हुआ, ये पास्ट टेंस की क्रिया है, इस प्रकार हुआ है ऐसा मानने को इतिहास कहते हैं। ये अवधारणा हमारी है और आपको जानना चाहिए कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसे भारत का आदि काव्य कहा जाता है,
और महाभारत जिसे पंचम वेद कहा जाता है और जिसके विषय में व्यास महर्षि की ये घोषणा है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित, जो महाभारत में है वो तो दुनिया में मनुष्य जाति में कहीं हो सकता है, जो महाभारत में नहीं है वो मनुष्यता में नहीं हो सकता। महाभारत और वाल्मीकि रामायण दोनों भारत के इतिहास ग्रंथ हैं और आपको जानना चाहिए, हमारे यहाँ संभवतः यहाँ भी महामना की ऐसी योजना मैंने सुनी है कि यहाँ आर्ष परंपरा की संस्कृत शिक्षा अलग है और आधुनिक परंपरा की संस्कृत शिक्षा अलग है, और अगर आप आर्ष परंपरा में इतिहास लेकर के पढ़ते होंगे तो आपको ये सब ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलते होंगे। तो हमारे यहाँ इतिहास लेखन नहीं था, ये भ्रम पहले छोड़ देना चाहिए। आपको ये फर्क भी जान लेना चाहिए कि इतिहास और पुराण में अंतर क्या है। अतीत की घटी हुई घटनाओं को इकट्ठा करके, उनको अधिकतम उचित क्रम में इकट्ठा करके उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को इतिहास कहते हैं। अतीत की घटी हुई घटनाओं को अध्ययन करके ढूंढा गया, इकट्ठा किया गया, उनके साक्ष्य जुटाए गए और एक पजल बैठाने की तरह जितना उचित संभव था उतने उचित क्रम में उनका विनियोग किया गया और उन टोटल का अध्ययन करके एक निष्कर्ष तक पहुँचे। मनुष्यता के विकास का अध्ययन करने की इस प्रक्रिया का नाम इतिहास है। एक दूसरी प्रक्रिया है जिसमें सत्य पहले से प्राप्त होता है, वह अनुभूति का है, वह समाधि का है, वह आप्त पुरुषों का दिया हुआ है। उस सत्य को लोक तक ले जाने की क्रिया में अतीत में घटी हुई घटनाओं को माध्यम बनाकर उनकी व्याख्या की जाती है, इसका नाम पुराण है। पुराणों के सत्य पहले से उपलब्ध हैं, उस सत्य को आप तक ले आने के लिए उन्होंने अतीत की घटनाओं को माध्यम बनाया और तब वो पुराणकार स्वतंत्र थे, घटनाओं में हेर फेर कर लेने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वे तथ्यात्मक डिटेल आपको नहीं दे रहे थे, वे आपको सत्यात्मक डिटेल दे रहे थे। वेद कहते हैं सत्य बोलो, तो वेदों की जो आज्ञा है वो हमारे यहाँ जो उपदेश की परंपरा है, स्वामी संवित, सखा संवित, कांता संवित, तीन तरह के उपदेश होते हैं, उनमें वेदों का उपदेश स्वामी संवित उपदेश है। वे रिक्वेस्ट नहीं करते, वे काज नहीं देते आपको, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश आपको नहीं करते, वो सत्यम वद कहते हैं, सत्य बोलो। सत्य बोलना चाहिए नहीं कहते हैं, चाहिए तो फिर नीचे आ गए स्तर की भाषा है, चाहिए कहता है मित्र। पुराण हमारे यहाँ मित्र सम्मित उपदेश करते हैं, वेद हमारे यहाँ पितृ सम्मित उपदेश करते हैं और पत्नी हमारे यहाँ कांता सम्मित उपदेश जो करती है वो काव्य करते हैं। आपके ईगो को जगाए बिना, आपके मनोविज्ञान को पता लगने दिए बिना कि आपके मन में अपनी बात डाली जा रही है, जो मन में बात डालते वो पत्नी का उपदेश है। कुछ लोगों को अनुभव होगा, कुछ लोगों को आगे चल करके हो जाएगा, पर शास्त्रों का अनुभव है तो हम लोग तो सर्वसिलोचनम शास्त्रम अनुभव नहीं कर सकते, शास्त्रों की आंखों से देख करके ये बात आपको बता रहे हैं कि पत्नियां उपदेश करती हैं तो पति को पता भी नहीं चलता कि हमने इसकी बात कब मानना शुरू कर दी, कि कब उन्होंने आप में वीरता भर दी, कब आपने आपको उन्होंने रुला दिया, कब आपको उन्होंने घृणा से युक्त कर दिया। ये काव्य की पद्धति है, स्वामी संवित, सखा संवित, कांता संवित। उसमें से स्वामी संवित उपदेश वेद का है, वे आदेश कर देते हैं। पर आप कई बार ऐसे हैं कि विनयी नहीं है, आपका सदाचार उत्कृष्ट कोटि का नहीं है, तो आप पिता की आज्ञा को दहिने बाएं करते हैं। पिता ने कहा विद्यालय जाना चाहिए और आप नहीं तैयार थे, घर से निकल पड़े, विद्यालय नहीं गए। मित्र साथ होगा तो वो आपको आदेश नहीं करेगा, वो बहलाएगा विद्यालय ले जाने के लिए, प्रेरित करेगा और कहेगा चलो एक आध क्लास कर लेते हैं फिर निकल आएंगे। नहीं जाने का नुकसान क्या है, जाने का लाभ क्या है, ये आपको समझाएगा और आपका मन बना करके आग्रह करके ले जाएगा, साथ साथ स्वयं भी जाएगा। ये पुराण करते हैं, पुराण आपको मानसिक रूप से तैयार करते हैं धर्म में प्रवृत्त करने के लिए, तो वे कथाएं सुना करके। तो जो वेद कहता है सत्यम वद, पुराण कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, नहीं बोलने पर नुकसान होता है, और ये समझाने के लिए वो आपके सामने अतीत से सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र की कथा रखता है। ये पुराण की शैली है, काव्य की शैली इससे विलक्षण है, हम इसमें पूरे विस्तार में नहीं जाने वाले हैं। हम सामान्य रूप से आपको जो बात कहना चाह रहे हैं, धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व में अपने धर्म के कारण है और यदि उसका धर्म नष्ट हो जाए तो वह वस्तु अपने स्वरूप को खो देती है। मैं बहुत मोटा उदाहरण दूं, जब कहा जाता है किसी व्यक्ति को कि अरे गधा है, क्या शरीर उसका होता है वैसा, उल्लू है बहुत प्रसिद्ध है, उड़ने की योग्यता तो उसमें होती नहीं जिसे कहते हैं उल्लू। मनुष्योचित ज्ञान की, मनुष्योचित योग्यता की हानि होने के कारण ही ऐसा उसे कहा जाता है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
तो जल की मैं चर्चा कर रहा था, मैं वहीं से आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को मैं इस बात की अपील कर रहा था कि आपके पास बहुत सारे शास्त्र और सिद्धांत हैं, उन्हें देखने का आपको प्रयास करना चाहिए। जल का धर्म है स्नेह, स्नेह जल का धर्म है। स्नेह भाव से आप लोग परिचित होंगे, हम लोग समझते हैं मनुष्यों का गुण है, ये जल का धर्म है। स्नेह कहते किसे हैं? चूर्णादि पिंडी हेतुर भाव गुण स्नेह, बिखरे हुए पदार्थों को पिंडी भूत करा देने वाला, परस्पर चिपका करके इकट्ठा कर देने वाले गुण को स्नेह कहा जाता है। आप और सरल कर लीजिए, चिपकने की योग्यता को। पानी का कोई ऐसा फॉर्मेट आप बताइए जिसमें वो चिपकना छोड़ दे और फिर भी रहे वो, आप में से कोई बताए। जल की कोई ऐसी अवस्था बताइए जिसमें वो जहां लग जाता हो वहां चिपकता नहीं हो, वाष्प होकर, बर्फ होकर। जी नहीं नहीं आपको फिर ध्यान देना चाहिए, भाप में हाथ करके बाहर निकालिए, हाथ भीगा हुआ रहता है। भाप तो और ज्यादा चिपकती है, छतों में चिपक जाती है, दीवारों में चिपक जाती है, तेल में नहीं चिपकता वो, तेल तो स्वयं जल है श्रीमान। मेरा प्रश्न आप फिर से समझ लें, जल ही तेल कहलाता है, जल में कुछ और घटक मिलकर के उसकी सांद्रता बढ़ा करके उसको तेल बना देते हैं, कोई नहीं है, यही आपको समझना है। स्नेह धर्मत्वावच्छिन्न जो पदार्थ है उसी को जल कहते हैं। क्या स्नेह धर्म खो करके भी जल अस्तित्व में रह सकता है? यही धर्म है। और एक छोटा उदाहरण आप ले लें, यद्यपि आपको स्पष्ट हो गया होगा, लोहे का धर्म क्या है? कठोरता तो और भी किसी में हो सकती है, धर्म की बात करनी है, लक्षण की बात नहीं करनी। धर्म उसकी वो प्रॉपर्टी है जिस पर वो डिपेंड करता है, उसके बिना रह नहीं सकता। अब आपका अधिक समय नहीं खर्च कर रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है मुझे बात समेटना शुरू करनी चाहिए। लोहे का धर्म है चुंबक से आकृष्ट होना। आप उससे निकाल सकते हैं इसको, आप ढक सकते हैं उसे, चुंबक और लोहे के बीच में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, पर चुंबक से आकृष्ट होने की योग्यता लोहे से नहीं छीन सकते, और यदि छीन लेंगे तो फिर वो लोहा नहीं रह जाएगा। अगर उस आपको आपने उसे परिमार्जित करके लोहे से खींचने की योग्यता उससे छीननी चाहिए तो फिर वो लोहा नहीं रह जाएगा। ये दो उदाहरण थे, मैं इसलिए आपको कह रहा था क्योंकि मैंने कहा था सब कुछ धर्म पर निर्भर है, तो मैं सीधे मनुष्यों पर या हिंदुओं पर नहीं आना चाहता था, आपको ये पदार्थों में दिखनी चाहिए। अब इस बात को आप मनुष्य पर ले आइए, क्योंकि हमारा संदर्भ तो मनुष्य है। स्वामी विवेकानंद ने उसकी चिंता प्राथमिक रूप से की है, यद्यपि सबकी चिंता उन्होंने की है यही मानना चाहिए, वे सन्यासी थे भारतीय परंपरा की और सर्वम खलविदम ब्रह्म मानने वाले, सबके प्रति समान भाव रखते हैं, पर चूंकि यहाँ कल्याण कामना मनुष्य की है इसलिए हम उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। महाराज मनु का एक श्लोक हम लोग ले लें जो हमारे यहाँ बार बार कई जगह दोहराया गया है। धर्म के लक्षण कौन से हैं? पहली बात तो यह ध्यान रखनी है, आचार अलग वस्तु है, धर्म अलग वस्तु है। आचार के द्वारा धर्म को पहचाना जाता है, और दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया में धर्म की विवेचना करते हुए, उसकी प्रशंसा और आलोचना करते हुए आचार को लक्ष्य किया जाता है। आचार के द्वारा धर्म अभिव्यक्त होता है, आचार धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? दशकम धर्म लक्षणम, 10 लक्षणों में धर्म अपने को व्यक्त करता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। मैं आपको हिंदू धर्म नहीं बता रहा हूं, मानव धर्म बता रहा हूं, और ये आपको जानना चाहिए, और आप लोगों को साहस पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहनी चाहिए कि केवल मनु ऐसे शास्त्रकार हैं जिन्होंने जातियों का धर्म नहीं लिखा है, मनुष्य का धर्म लिखा है। उनके ग्रंथ का नाम मानव धर्मशास्त्र है, हिंदू धर्मशास्त्र नहीं है। और 10 लक्षण जो मनुष्यता के बताए गए हैं, आप सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप प्रसन्न हैं, ताली बजाना आवश्यक नहीं है, हम लोगों का बहुत स्वभाव नहीं लगता है कि समय बाधित होता है, आवाज़ सुनने में बाधा पर्दा होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ताली बजाएं, आप सुन रहे हैं ये ठीक लग रहा है, और अगर आपको इसमें कुछ बीच में बोलने और टोकने लायक लगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। वो कहते हैं 10 लक्षण हैं मनुष्य के, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धरती के किसी भी कोने में होने वाला जो मनुष्य कहला सकता है उसमें आप इन 10 में से किस छूट से उसे रख सकते हैं कि इसमें यह नहीं होना चाहिए?
धैर्य, क्षमा, अस्तेय, दम। अस्तेय के विषय में बाकी चीज़ें आपको लगभग परिचित हैं, मैं अस्तेय के बारे में थोड़ा अलग से कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सामान्य तौर पर लिखा जाता है चोरी न करना। मैं समझता हूँ ये ठीक उसकी व्याख्या नहीं है, क्योंकि चोरी करना दोष है, तो चोरी का परित्याग धर्म नहीं हो सकता। अस्तेय का अर्थ है जो आपके लिए नहीं है उसको पाने की अभिलाषा आप में न जगे, जिसके लिए आप अधिकृत नहीं हैं विधिक तौर पर, उसको पाने की लालसा आप में न जगे, ये अस्तेय है। आपने चुराया या नहीं चुराया, पर जो आपको नहीं चाहिए उस वस्तु में आपकी लालसा गई तो आपने अपने को गंवा दिया, व्यक्तित्व तो आपका गया। चोरी करना न करना तो आपकी मॉरल पुलिसिंग पर या सोशल पुलिसिंग पर डिपेंड करता है, वो आपके चरित्र का गुण नहीं है। आपके चरित्र का गुण यह है कि जो आपके लिए नहीं है आपके भीतर उसकी लालसा न जगे। धैर्य होना, क्षमा होना, मन पर नियंत्रण होना, जो हमारे लिए नहीं है उसको पाने की अभिलाषा न करना, शौच, पवित्रता, शुचिता के भाव को शौच कहते हैं, पवित्रता होना। पवित्रता का शरीर और मन दोनों से संबंध है, मैं उसके विस्तार में भी नहीं जा रहा हूँ, हालांकि वो भी एक विषय है जिस पर मैं बराबर आयोजनों में व्याख्यानों में विषय रख करके शौच पर चर्चा करता हूँ, क्योंकि उसको लेकर बड़ी भ्रांति है। प्रायः पूछा जाता है कि ये दिन भर में चार बार नहाने से क्या होता है। अरे भाई, आप वैज्ञानिक चर्चा पर अभी आप सुनेंगे, चार बार नहाने से क्या होता है। मैं केवल एक प्रश्न लेकर के आपसे अनुमति लेकर के थोड़ी सी बात कर लेता हूँ धर्म की वैज्ञानिकता की। हमारे यहाँ कहा गया कि जितनी बार शौच जाएं उतनी बार स्नान करना आवश्यक है, जितनी बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए उतनी बार आप नहाएं। क्यों नहाएं, क्या गंदगी है। इंग्लिश कमोड बने हुए हैं, बड़ी बढ़िया सब व्यवस्थाएं लगी हैं, स्प्रे और फ्रश लगे हैं, आपके शरीर में तो कोई गंदगी लगी नहीं है। शौच जाने के बाद नहाना क्यों आवश्यक है, इसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है, आप में से कोई बताए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों ने सोचा होगा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शौच के बाद नहाना नियम समझते हैं। हाँ, बहुत कम संख्या है और होनी चाहिए। अच्छा है, धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने झूठे हाथ नहीं उठाया, तो लेकिन आपके हाथ और ज्यादा उठने चाहिए और हो सकता है इस समझ के बाद उठने लगे। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ये संत महात्मा सन्यासी लोग जो बार बार नहाते हैं दिन भर में, नहाने का मतलब गर्मी दूर करना नहीं है। हमारी जो प्रक्रिया है मल विसर्जन की विधि क्या है, हम शौच जाते हैं, शरीर से मल बाहर जाता है अपान वायु के वेग से। शरीर में नौ द्वार मुख्य रूप से और प्रत्येक रोमकूप अलग अलग द्वार हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई वायु कुपित होकर के वेग निर्मित करता है तो शरीर के समस्त द्वारों से बाहर जाने का प्रयास करता है। शरीर विज्ञान यह है कि उसको समस्त द्वारों से विसर्जित नहीं होने देता और मल मार्ग से मल का विसर्जन होता है, पर उस वेग के कारण अपान वायु प्रत्येक रोमकूप में चली जाती है जो कि अशुद्ध है, उसका मल के द्वारा संस्पर्श हुआ है, तो पूरा शरीर मल के मलिनता से युक्त हो जाता है। जब आप स्नान करते हैं शरीर पर पानी पड़ता है तो शरीर में स्वाभाविक संकुचन होने के कारण वे मलवायु फिर से लौट करके मलाशय में सन्निहित हो जाती है। यह शरीर की शौच। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। हमने यही बात कही थी, कोई भी वस्तु जब सामान्य प्रवाह में होती है तो अपने रास्ते पर चलती है और जब वो वेग संग्रह कर लेती है तो अपने रास्तों का अतिक्रमण करती है। सामान्य अवस्था में लोग सड़क पर चलते हैं, जब जाम लग जाता है तो डिवाइडर पर भी चढ़ जाते हैं, दहीने बाएं भी घुस जाते हैं। यही मैंने आपको कहना चाहा है। नहीं, ये बहुत सरल बात है। नदी की जलराशि तब तक अपने खात में, अपने गड्ढे में बहती है जब तक बाढ़ नहीं आती। जब बाढ़ आ जाती है तो गांवों में बहती है। मल विसर्जन शरीर की सामान्य क्रिया नहीं है, वो एक बड़ी क्रिया है। अगर ऐसा नहीं होता, वेग का निर्माण नहीं होता, तो मल विसर्जित ही नहीं होता। इसलिए मैंने ये तमाम तरह की, जैसे प्रसव होता है, जैसे मूत्र मल आदि का विसर्जन होता है, इस पर कभी हम और चर्चा कर लेंगे। ये बड़ी प्रक्रिया है जिस पर शास्त्रों ने बहुत अनुसंधान किया है। तो अपान का कोप होने के कारण हमारे शरीर के अनेक रंध्रों में अपान की मलिनता चली जाती है, स्नान के द्वारा शरीर में संकुचन होता है और वो लौट करके फिर से अपने निश्चित स्थान में आकर के शरीर को शुद्ध कर देती है। ये उसमें निहित बात है। मैं जिस बात को आपसे कहना चाह रहा था, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या,
सत्य और अक्रोध, ये 10 लक्षण हैं, आपने पढ़ा भी होगा। विश्व में कहाँ मनुष्य है जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, और किस मनुष्य में ये 10 बातें बाई बर्थ नहीं होती। ये धर्म है, जिसमें ये घट जाता है उसकी मनुष्यता न्यून हो जाती है, वो अमनुष्य हो जाता है। गोस्वामी जी ने उसको असुर कह दिया, तेजानो निश्चर सब प्राणी इत्यादि कह दिया। शास्त्रों में उसी को पशुवत कहा गया, मृतवत कहा गया, इत्यादि बातों का अभिप्राय यह है हमारे अस्तित्व में हमको बनाए रखने के लिए जो प्रकृतिगत तत्व निर्धारित किए गए हैं उनका हमारे भीतर बने रहना धर्म है। और उनसे कोई व्यक्ति जब कहता है हम धर्म निरपेक्ष हैं तो उसको अनस्तित्वमान हो जाना पड़ेगा, क्योंकि यह शब्द ही कोई अर्थ नहीं दे सकता है। धर्म के आधार पर पार्शियलिटी ना हो, ये हो सकता है, पर धर्म मुक्त कर दिया जाए ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सूर्य अपने धर्म के कारण सूर्य है, परमाणु न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने धर्मों के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, आप उनका धर्म हटा देंगे क्या? पेट्रोल का धर्म छोड़ दे तो उसका दाम कुछ रह जाएगा क्या? हाँ कहें, मैं मानव धर्म की ही बात कर रहा हूँ। ये 10 बातें मानव धर्म होती हैं जिनका मैंने नाम लिया है, मैं यही आपको बता रहा हूँ। जब धर्म को किसी एक संदर्भ विशेष में परिभाषित किया जाता है तो जो संदर्भ होता है उसका उपपद उसमें लग जाता है। ये बात आपको व्याकरण में सामान्य रूप से समझ में आ जाएगी। जैसे एक शब्द है धर्म, धर्म वो प्रॉपर्टी है किसी वस्तु में होने वाली जो उसको अस्तित्व में बनाए रखती है। जब आप किसी वस्तु के संदर्भ में इसे कहेंगे तो उस वस्तु का नाम लेना पड़ेगा, जैसे मानव धर्म, जैसे हिंदू धर्म, जैसे जल धर्म, तो उसका नाम लेते समय उसमें उपपद जुड़ जाएगा। और जब धर्म आप कहेंगे तो धारण करने की योग्यता परिभाषा होगी, जब मानव धर्म आप कहेंगे तब ये 10 लक्षण होंगे जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक आचार्य जी, 10 लक्षण में एक इंद्रिय निग्रह भी आता है जी, तो इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय दमन में क्या फर्क है, एक हद तक इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय दमन आपने अपने मन से प्रयोग किया है शब्द, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। दम कहते हैं मन के नियंत्रण करने को, यहाँ दम और इंद्रिय निग्रह दोनों को अलग अलग पढ़ा गया है। इंद्रिय निग्रह और दम का सामान्य अर्थ आप करना चाहें तो बलपूर्वक इंद्रियों को रोकना इंद्रिय दमन है। और इंद्रिय, अब ये ध्यान ये देना है कि इंद्रियां जाती कहाँ हैं, पंच तन्मात्राओं में, पंच विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मोटे तौर पर ये 5 चीज़ें हैं जिनमें इंद्रियां जाती हैं। जाती क्यों हैं? क्योंकि इंद्रियां बनी हुई हैं पृथ्वी जल तेज आकाश और वायु से, पंच तत्वों की ही पंच तन्मात्राएं हैं जिनको पंच विषय कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, सजातीय पदार्थों में मिल जाते हैं पदार्थ, ये प्रकृतिगत धर्म है। हमारी आँखें अग्नि तत्व अथवा तेज तत्व से बनी हुई हैं, रूप तेज की तन्मात्रा है इसलिए आंखें रूप में आकृष्ट होती हैं। हमारी त्वचा वायु से बनी हुई है, स्पर्श वायु की तन्मात्रा है इसलिए त्वचा स्पर्श करना जानती है। हमारे कान आकाश से बने हुए हैं, आकाश का तन्मात्रा शब्द है इसलिए हमारे कान शब्दों को पहचानते हैं, ये प्रक्रिया है। तो सामान्य रूप से हमारी इंद्रियां पंच विषयों में जाती हैं। यदि हम चिंतन पूर्वक पंच विषयों के जो कार्य भोग पदार्थ हैं उन कार्य भोग पदार्थों की हेयता को माने उनके दोषपूर्ण होने को समझ लें और विवेक पूर्वक अपनी इंद्रियों का परावर्तन अपने ऊपर कर लें। मैं समेट चुका हूं, आप लोगों के प्रश्न के कारण मैं रुका हूं, मैं अपनी बात कह चुका हूं। यदि हम विवेक पूर्वक इंद्रियों का समावर्तन अपनी ओर कर लें, जिसको प्रत्याहार कहते हैं योग में, तो निग्रह हुआ। यदि हम विवेक से न समझ पाएं और हठपूर्वक इंद्रियों को विषयों से भोगों से रोकने लगें तो दमन हुआ। दमन बलपूर्वक होता है, निग्रह विवेक पूर्वक होता है, इतना ही अंतर है। आप लोगों ने सुना, इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें थीं। सामान्य रूप से धर्म वो है जो प्रत्येक अस्तित्वमान पदार्थ को उसके अस्तित्व में बनाए रखता है, और अलग अलग संदर्भों में इसे अलग अलग परिभाषाओं के साथ समझा जा सकता है। आप सबके लिए साधुवाद, पर मुझे दूसरी बात कह दिया गया है कि अब आप अपनी बात पूरी करें। तो अगर आपको और भी प्रश्न करने हैं तो उसके लिए आप या तो ये समय बढ़ा लेंगे या कोई दूसरा सत्र रख लेंगे, क्योंकि अब और संभव नहीं है, मंच और आयोजन की अपनी मर्यादा है। सभी को धन्यवाद, और आप लोगों के लिए शुभकामना कि आप लोग पढ़ने सुनने का अभ्यास पढ़ें।